सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम फ्रॉम जयपुर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कल जयपुर पहुंच चुका हूं, सो फाइनली अब मैं कुछ रुका हूं इस होटल में जो कि है द मुस्ताज जयपुर। यहां मैं रुका हूं और कल मैं आके बहुत थक गया था, सो कल मैं आपको टूर नहीं दे पाया। सो फाइनली मैं आपको पूरी तरह से अब टूर देता हूं हॉस्टल का, फिर उसके बाद हम हमारी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो ये है कुछ हॉस्टल का पार्किंग, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, और पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो इसकी एंट्रेंस है कुछ इस तरह से है, और वहाँ पे हम देखेंगे मुस्ताज का ब्रांडिंग। और उसके बाद हम जैसे ही एंट्रेंस करते हैं सामने सीधा रिसेप्शन एरिया हमको मिलेगा। और जैसे ही हम एंट्रेंस करेंगे, सबसे पहले इन्होंने पोस्ट कोविड के बाद जो इस तरह से सैनिटाइजर का पूरी तरह से ख्याल रखा है, और उसके बाद जिस तरह से दिया कुछ इनका राजस्थानी चीज़ें हैं जो इन्होंने इस तरह से रखी हुई है। और इस तरह से यहाँ पे आप अपने हेलमेट और कोई भी चीज़ हो आज जो रखना चाहें उस तरह से रख सकते हैं। और उसके बाद सीधा जो आते हैं ये रिसेप्शनिस्ट यहाँ पे, जो इनसे आप सो व्हाट्स योर नेम सर? माय नेम इज खुर्शीद। ओके, एंड व्हेनेवर यू कम हियर दैट पर्सन विल बी असिस्ट यू अबाउट योर बुकिंग। एंड आप देख पाएंगे कि जैसा यहाँ पे इन्होंने पूरा ड्रॉ किया हुआ है, जो कि जो भी रिस्ट्रिक्शन है जैसे कि नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, ये सब इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ये रिसेप्शन एरिया, यहाँ पे आप अपनी बुकिंग के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आपको दूसरा यहाँ पे कुछ आपके स्नीकर्स या स्लीपर्स भी आप इस तरह से रख सकते हो। तो कुछ इस तरह से है ये एरिया। और हम देखेंगे अब सिटिंग एरिया, जो कि इस तरह से आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो इन द इवनिंग, मॉर्निंग, जब कभी भी। ये कॉमन एरिया, यहाँ पे सब बैठ सकते हैं इस तरह से। सो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको रूफटॉप दिखाता हूँ, ऊपर चलते हैं। और ये कुछ कॉमन एरिया है, कॉमन वॉशरूम, जो कि यहाँ पे आप अगर जैसे अर्ली चेकिंग आते हो, तो जैसा अगर आप अर्ली चेकिंग करते हो तो आप यहाँ पे सिटिंग एरिया में यहाँ बैठ सकते हो, उसके बाद ये कॉमन वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। ये कुछ इस तरह से, और ये वॉशिंग मशीन दे रखी है जो कि आप इसमें अपने कपड़े। काफ़ी अभी अंधेरा है, मैं देखो मैं इसमें रुका हूँ 105 में, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल तरह से इन्होंने सजाया हुआ है इसकी जो बॉल है। तो चलिए ऊपर चलते हैं, बहुत ही ऊपर है तभी इसको रूफ टॉप कहा गया, टॉप टॉप इंडिया। एलिवेटर से जब भी आएंगे आप तो कुछ यहाँ निकलेंगे, और मैं ये इनका यहाँ प्रिपरेशन। और ये कुछ कुछ इस तरह से है। अर्ली मॉर्निंग आप यहाँ पे आकर ब्रेकफास्ट जो भी आप सिटिंग करना चाहें कुछ इस तरह से है। और ये इनका मेन्यू है, जो कि आप अपने एपेटाइट के अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सकते हैं। और ये कुछ साउंड सिस्टम, और यहाँ पे अगर ग्रुप के साथ हैं तो इस तरह से कैरम इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ सिटिंग एरिया है, जो कि कॉमन एरिया है सबके लिए। और ये भी कुछ सिटिंग एरिया है पूरी तरह से, मतलब यहाँ पे आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग अर्ली मॉर्निंग बैठ सकते हैं और रात को भी आ सकते हैं कुछ इस तरह से। सब हम चलते हैं बाहर की ओर। और यहाँ पे भी आप बैठ के ब्रेकफास्ट इंजॉय कर सकते हैं। ये जो स्विमिंग पूल है फिलहाल तो अभी बंद है, आई डोंट नो व्हाई, मे बी कोविड की वजह से। यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आप आपके ब्रेकफास्ट इंजॉय कर सकते हैं। और विंटर के टाइम आ रहे हो तो यहाँ बैठना काफ़ी ठीक रहेगा, क्योंकि आपको अगर ठंडी लग रही है तो थोड़ी देर भी धूप में बैठेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा।
और इस तरह से इन्होंने कुछ फ्लावर्स की जो बहुत ही आर्टिफिशियल, सॉरी हाँ, ये खुद इन्होंने चाय की जो पोट होती है उसी के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरह से इस तरह से इन्होंने सजाया हुआ है। मैं कुछ इस तरह से, ये जितने भी एरिया हैं ये सारे सिटिंग एरिया हैं, आप यहाँ पे आके अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर सकते हैं। इसके ऊपर भी कुछ दिया गया है, देखते हैं जाने के जैसा है या नहीं। वाह, यहाँ से बहुत ही शानदार नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि रूफ टॉप के बेनिफिट्स, ये देखिए दोस्तों जिस तरह आप देख पा रहे हो नेचर ब्यूटी मिलेगा। यहाँ रात को भी आएंगे, देखेंगे शायद ये लाइट जो लैंप लग रखे हैं ये जलते हैं या नहीं। ऑलराइट, सो जैसा कि आपने देखा कि मैंने पूरी तरह से आपको दे रखा है और रूफटॉप देख लिया, अब नीचे अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा कुछ कमरा। कुछ आपको इस तरह से कार्ड दिया जाएगा, आप कोई भी रूम में रुको कार्ड लेना है। और खुल गया सिम सिम, और ये खुल गया सिम सिम, और सो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको रूम टूर दूंगा। सो अब मैं बताता हूँ कि हमने रूफटॉप जाके आ गए और नीचे का आपने देख लिया, तो इस तरह से मैं जो रुका हूँ वो 8 bunks है, उसमें मेरा मैं कुछ यहाँ रुका हूँ। और इनकी एक फैसिलिटी बहुत अच्छी है कि इन्होंने लॉकर दे रखा है जो कि कीलेस है, नंबर वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे एक्सेस करना है। इस तरह से आप देख सकते हो एसी भी लगा हुआ है जो कि समर के लिए काफ़ी बेटर है, जो कि ऑब्वियस होना ही है। और ये इसका वॉशरूम जो कि क्लीन एंड नीट ही है, अभी मैं ही ना कर गया हूँ सो थोड़ा ऐसा है, बट काफ़ी ठीक ठाक है। ओके, सो ये जो लॉकर है ये कीलेस है, इसमें हम जैसे ही, जैसे कि अभी ये खुला हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हो, और मेरा अंदर लगेज पड़े हुए हैं, और इसको लगाने के बाद हमें 4 digits डालने हैं, जैसे कि मेरा 4 digits ये है। और ये ग्रीन जो बटन है इसको हमें प्रेस कर देना है, अब ये हो गया लॉक। और हमें खोलना हो तो वापस से वही 4 digits और ग्रीन बटन दबाने के बाद इस तरह से खुल जाएगा। तो बहुत ही ठीक लगा मुझे ये कि एक जगह मैं रुका था वहाँ पर कुछ की वाला था, जो उससे क्या है अगर आपकी की गुम हो गई तो फिर इशू होंगे, इससे अच्छा ये ज़्यादा ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से पूरा ये दिखता है।